पूर्णिया के काझा गणेशपुर के दर्जनों किसानों की मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों के मुताबिक उन्होंने 6002 पान कंपनी की हाइब्रिड की बीज एजेंट के कहने पर लगाया, किंतु मक्का अभी पूरी तरह से सुन मार दिया है, जिसके कारण वे लोग कर्ज में डूब गए हैं। किसानों ने कहा कि इसके लिए सरकार को किसी तरह का रास्ता निकालना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए सघन खोज अभियान चला रही है। कुष्ठ रोगियों की अधिक संख्या वाले राज्य के संविधान सील 14 जिले को चिन्हित किया गया है, जहां 14 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर रोगियों की पहचान करेंगे। इस अभियान में 3000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, जो ग्रामीण इलाकों में कुष्ठ रोग विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य है रोग को जड़ से खत्म करना। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से मुख्य एवं श्रवण बधिर बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की एक समारोह आयोजित कर जानकारी दी गई। समारोह का उद्घाटन पूर्णिया के डीएम प्रदीप कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दरमियान मुख्य एवं श्रवण बधिर बच्चों ने भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुतियाँ दी। इस दरमियान पूर्णिया DPO शिक्षा ने कहा कि ऐसे बच्चों की स्मरण शक्ति काफ़ी तेज होती है और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएँ इन लोगों की चलाई जा रही है, उसका लाभ इन लोगों को दिया जाएगा, ताकि समान बच्चों की तरह ये भी आगे बढ़ सके। स्थानीय लाइन बाजार में दुकानदार द्वारा छात्रों के साथ की गई मारपीट पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा एवं बिहार टॉकीज रोड को लाइन बाजार में रोड जाम कर दिया। इसके बाद सदर DSP राजकुमार शाह ने आक्रोशित छात्रों को शांत करवाया एवं उनके आवेदन पर दुकानदारों पर मामला दर्ज कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मौजूद जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद प्रवक्ता राजेश यादव ने छात्रों के साथ हुई घटना की निंदा की तथा लाइन बाजार एवं बिहार टॉकीज रोड में सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाने की मांग भी की। पुणे के कालीबाड़ी चौक मिशन रोड स्थित स्वामी रामकृष्ण परमहंस आश्रम में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती के अवसर पर एक समारोह आयोजित कर सैकड़ों गरीबों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। बताया गया कि कपड़ों में खासतौर से धोती एवं साड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर एक भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों ने भोज का आनंद लिया। मारंगा थाना पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर बंधन बैंक कर्मी से लूट की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने लूट की इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 पूर्णिया जिले का तो एक कटिहार जिले का बताया जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन लूटे हुए 30,760 रुपये नकद, लूट में प्रयोग किए गए 2 मोटरसाइकिल, बंधन बैंक का 4 पासबुक एवं बैंक का खाता खोलने वाला सादा फॉर्म भी जब्त कर लिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्णिया के रेणु बाल उद्यान में एक समारोह आयोजित कर उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा इस दरमियान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में राजनेता कर्पूरी जी के आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं और सभी वर्गों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने खासतौर से BJP सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार धर्म और जाति की राजनीति कर सत्ता में आई है और उनका सीधा निशाना आरक्षण है और आरक्षण को खत्म कर सामान्य वर्ग को आगे बढ़ाने के साथ साथ दलितों को पीछे छोड़ना चाहती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्णिया क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूर्णिया स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल गुलाबबाग के क्षेत्र के भावी पीढ़ी के बैंकिंग एवं डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के लिए कैंप लगाया गया। बैंक 10 से 18 वर्ष के बच्चों का बचत खाता खोल रही है तथा व्यवसाय के लिए व्यापार ऋण, मुद्रा ऋण, डेयरी ऋण, उच्चतर शिक्षा के लिए शिक्षक ऋण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के निकटतम शाखा से संपर्क करने का क्षेत्रवासियों से आह्वान भी किया जा रहा है। अररिया के पूर्व सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद उस पर हो रहे उपचुनाव के लिए उनके पुत्र मोहम्मद सरफराज ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के दरमियान बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे। इस दरमियान मोहम्मद सरफराज ने कहा कि जनता की भावना को वे समझ रहे हैं और उनके पिता ने जनता के लिए जो सोच रखा था, उनके सपनों को पूरा करना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। केहार थाना क्षेत्र के फूड कंपनी चौक स्थित न्यू पटना फर्नीचर में अपराधियों द्वारा घुसकर फायरिंग करने एवं रंगदारी मांगने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है तथा इस मामले में शामिल अपराधियों को दबोचने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस संबंध में HP निशांत कुमार तिवारी ने बताया कि हाल के दिनों में घटी घटनाओं को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया है। पुलिस इस घटनाओं में शामिल अपराधियों को जल्द दबोचने में सफल रहेगी। पूर्णिया के अमोर प्रखंड के किसानों को फसल की क्षति का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। उन लोगों ने एक बैठक के दरमियान सामूहिक रूप से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि बहुत जल्द वे लोग अमोर से आंदोलन को प्रारंभ करने जा रहे हैं।
पूर्णिया के काझा गणेशपुर के दर्जनों किसानों की मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों के मुताबिक उन्होंने 6002 पान कंपनी की हाइब्रिड की बीज एजेंट के कहने पर लगाया, किंतु मक्का अभी पूरी तरह से सुन मार दिया है, जिसके कारण वे लोग कर्ज में डूब गए हैं। किसानों ने कहा कि इसके लिए सरकार को किसी तरह का रास्ता निकालना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए सघन खोज अभियान चला रही है। कुष्ठ रोगियों की अधिक संख्या वाले राज्य को संविधान सील 14 जिले को चिन्हित किया गया है, जहां 14 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर रोगियों की पहचान करेंगे। इस अभियान में 3000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, जो ग्रामीण इलाकों में कुष्ठ रोग विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य है रोग को जड़ से खत्म करना। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से मुख्य एवं श्रवण बधिर बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की एक समारोह आयोजित कर जानकारी दी गई। समारोह का उद्घाटन पूर्णिया के डीएम प्रदीप कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दरमियान मुख्य एवं श्रवण बधिर बच्चों ने भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुतियाँ दी। इस दरमियान पूर्णिया DPO शिक्षा ने कहा कि ऐसे बच्चों की स्मरण शक्ति काफ़ी तेज होती है और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएँ इन लोगों की चलाई जा रही है उसका लाभ इन लोगों को दिया जाएगा, ताकि समान बच्चों की तरह ये भी आगे बढ़ सके। स्थानीय लाइन बाजार में दुकानदार द्वारा छात्रों के साथ की गई मारपीट पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा एवं बिहार टॉकीज रोड को लाइन बाजार में रोड जाम कर दिया। इसके बाद सदर DSP राजकुमार शाह ने आक्रोशित छात्रों को शांत करवाया एवं उनके आवेदन पर दुकानदारों पर मामला दर्ज कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मौजूद जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद प्रवक्ता राजेश यादव ने छात्रों के साथ हुई घटना की निंदा की तथा लाइन बाजार एवं बिहार टॉकीज रोड में सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाने की मांग भी की। पूर्णिया के कालीबाड़ी चौक मिशन रोड स्थित स्वामी रामकृष्ण परमहंस आश्रम में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती के अवसर पर एक समारोह आयोजित कर सैकड़ों गरीबों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। बताया गया कि कपड़ों में खासतौर से धोती एवं साड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर एक भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों ने भोज का आनंद लिया।